कई लोग तो समझ रहे हैं युवराज से बुक कर रखी है तो ये पक्का ही दिखा लाएगा। एक तरफ गुज्जर की भैंस पानी पी रही है, एक तरफ टाइगर पानी पी रहा है। चार्ज कर रहा है लेकिन मुझे दिखाने भी तो है अभी। तब जाते हैं, दिखाना भी तो है। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। सुबह के बज रहे हैं भाई 5 और बिल्कुल अंधेरा, और हम हैं अभी अपने घर में भाई, निकल रहे हैं। गेस्ट का आज जोन है हमारा बिजरानी जोन। गेस्ट के 2 सफारी हैं, खुद परमिट काटा है, मॉर्निंग बिजरानी इवनिंग झिरना। भाई सही वाला माहौल बनने वाला है आज। बिजरानी पहली गाड़ी लगाएंगे, देखते हैं क्या माहौल बनता है। भाई निकलते हैं, दिखाते हैं आपको जंगल अपने अंदाज में। परमिट वगैरह लाए हैं ना, एक आईडी भी लाए हैं ना, ठीक हो गया। खुला गाड़ी है, अपना फोन वॉलेट सब संभाल के रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम है आपका जिम कॉर्बेट? फर्स्ट टाइम। कहाँ से हैं आप लोग? कोलकाता से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये आ गए आप अपने एंट्री गेट, ठीक है। फर्स्ट गाड़ी हमारी है, अभी समय 6:15 का गेट है, आप आराम से बैठे रहिए। मैं एंट्री कर चुके हैं, 2 मिनट अब आपके परमिट चेक होंगे, ठीक है। कल यहाँ पर दिखे 2 टाइगर दिखे कल शाम बिजरानी में, लेकिन हमारे लिए हर दिन नया चैप्टर। शहर तो वही रहता है लेकिन एक्टर चेंज हो जाते हैं। जंगल ये भी खूबसूरत है, बिजरानी बहुत खूबसूरत है। झिरना के मुकाबले आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। बिजरानी की स्पेशलिटी यह है कि ये ग्रीन है ज़्यादा, और बहुत सारे ट्रैक हैं, नदी नाले हैं, ग्रास लैंड है, डेंस जंगल है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। टाइगर मिले से टाइगर के लिए कर रहे हैं हम लोग। ये देखो आउल, देखो पहले आउलेट, उधर ब्रांच में बैठा एंड सनबर्ड, छोटी सी जो हमिंग बर्ड होती है ना, उसी के इक्विवेलेंट होती हो, कुछ ग्राम को होती हो, ये क्या 2 तोले की 10 ग्राम। हाँ, उसी में अंडा देना है, उसी में ब्रीडिंग करनी है, खाना भी है, पेट भी भरना है, 10 ग्राम में ही एक तोला। ये सही है। माँ के हमारे युवराज जी मास्टर हैं जंगल के, और देखते हैं क्या होता है आज। नहीं, यहाँ के गुरुजी हमारे ही है, ये बहुत अनुभवी आदमी है। लक फैक्टर भी काम करेगा, बिल्कुल वही। बहुत बार क्या होता है कि लक काम नहीं करता, तो उससे भी थोड़ा लॉस हो जाता है। जंगल में काम आता है अनुभव, और ये भैया है ये रेगुलर इसी जोन में चलता है। हाँ, तो जो जिस जोन में ज़्यादा चलेगा ना, उसको वहाँ की ज़्यादा वो पता रहती ना, कहाँ पे क्या माहौल है। टाइमिंग तो ऐसे इनका रात को होता है ज़्यादा। अच्छा, रात में एक्टिव रहते हैं। दिन में ऐसा होता है जैसे अभी सनराइज हो गया है, अभी अपनी डेस्टिनेशन को चुनेंगे कि कहाँ हमें पूरा दिन भर बिताना है। ऐसे प्लेस को सिलेक्ट करते हैं ना जहाँ उनको ठंडा मिले। अभी हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ उनके रेस्टिंग प्लेस हैं उन एरियों को चेक करेंगे, फिर जो हमारे और फ्रेंड हैं उनसे भी हेल्प लेंगे जो और जंगल के अंदर रह रहे हैं। क्या है ना, पहली गाड़ी हमने अपनी रखी है, पर हमसे पहले भी हमें अंदर गाड़ी मिलेगी, भैया जी वो समझा रहे हैं। मतलब अंदर जो नाइट स्टे कर रहे हैं ना, उनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। उनके पुराने पत्ते झड़ गए, जस्ट न्यू आ गए, अभी पूरे साल भर ग्रीन रहेंगे। साल फॉरेस्ट है, साल फॉरेस्ट जी जी। बाकी जो इसके एसोसिएट ट्री हैं 110, वो साल के साथ ग्रो करते हैं। कुछ इसमें डिसीडियस प्लांट है जिसमें अभी सूखे टाइप के लग रहे हैं ना, ये इसमें लाइव ट्री हैं लेकिन पत्ते झड़े हैं इनके। अदर एनिमल में एलिफेंट हैं, पाइथन, किंग कोबरा, जैकॉल, वाइल्ड बोर, बियर, मॉनिटर लिजर्ड, मार्टिन और पेंगोलिन। हाँ, वैसे रेयर है लेकिन कभी कभी दिख जाता है। चलाना टाइगर। पैरों के निशान लगे ना बाघ के, दिख रहा है आपको? ये लगा बन गया फुटप्रिंट, ये टाइगर का पैरों का निशान है। फ्रेश है वो, तो फ्रेश है भी ना होना, मतलब रात रात का ना निकल गया होगा रात में। कहीं साले किसार से ये है तो नहीं इधर को आने वाला। अच्छा, वो भी पहुंच जाता है, इसे भी है तो भी पंजे से पता चल जाएगा। यही अनुभव तो चाहिए आपका। ये मतलब बड़ा लंबा एरिया कवर करते हैं ना। अच्छा, यही गर्जिया जोन में चले जाएगा। हाय, अच्छा हाँ, खिचार वाला तो जा सकता है। डिग्री रूप पे गवर्नमेंट आपको ऑथराइज नहीं करती जंगल में जाना रात को, और रात में तो आप जाओगे ना जब खुली गाड़ी में, वैसे ही आप बाहर बफर एरिया में भी जाओगे तो आप अगल बगल वाले को नहीं देख पाओगे, वैसे ही डर लगेगा, खतरा हाथी होगा।
घेर लेते हैं ना रात को, यहाँ जहाँ पे खुले एरिया मिलेंगे थोड़ा दूर दूर तक नजर आप सब भी दौड़ाएंगे, ठीक है? सब जगह यहाँ से चला, देखो टाइगर इतनी दूर से गया चलते हुए, कितना लंबा चला है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना बहुत ही लंबा चला है ऑन द हिल, ऊपर हिल पे लैंडस्लाइड हो रहा है। सांबर है, चीतल है। वाटर बॉडी आपको यहाँ मिल रही है ना, इवनिंग में झिरना में नहीं मिलेगी, कल बिजरानी में निकाला में इससे ज़्यादा पानी मिला होगा आपको ना, ऐसे है स्लोप में है ना, तो यही पानी नीचे भी जा रहा है तो झिरना जाने तक सूख जा रहा है सब ना। ग्राउंड में जैकॉल है, ग्राउंड में शियार है ना, ग्राउंड में यहाँ से 50 मीटर अवे दो जैकॉल बैठे हैं, बैठे हुए हैं ना देखो। हाँ बैठे हुए जरा, नहीं कैंपस आ गया एफआरएच, एक मिनट का ब्रेक यहाँ पे एंट्री कराओगे ना भैया, एक मिनट का ब्रेक लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नहीं 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 पहले होता था, बहुत पहले पेट्रोलिंग है ना, अभी पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं, इशारा मान लियो पहले मारो है ना। क्या है ना सुबह सुबह का टाइम थोड़ा टाइगर का मूवमेंट का रहता है, इसलिए मैं गाड़ी कहीं रोक नहीं रहा हूँ, थोड़ी देर बाद एक घंटे बाद हर कॉमन वाइल्ड लाइफ के लिए आपके लिए गाड़ी रुकेगी, आराम से फोटो लेना, सुबह जो जो काम है वो तब होना चाहिए ना। लैंगूर ऑन द ट्री, ये सब हमारे हेल्पर हैं, हाँ नहीं इनसे मिस नहीं होगा टाइगर, हमसे मिस हो जाएगा, ये इनकी आंखों से नहीं बच सकता। इस रोड को बोलते हैं किचार रोड, मोमेंट अच्छा है, कल भी दिखा ना टाइगर भैया बोले थे सुबह, कल शाम में निकाला कि सांबर रोड है ना, वैसे यहाँ की किचार रोड है बिजरानी की, पार्किंग डियर बगल में वो अलग है, फिर यहाँ से तो चला ही नहीं इधर को, वो अलग छो नाले से गया होगा ना। आगे भी है ना एक नाला, हम दिमाग लड़ा रहे कि आगे नाले में तो नहीं चल रहा, एक गाड़ी स्टे वाली है शायद, वहाँ गाड़ी की आवाज़ आई ना घूम करके, इधर और इधर नहीं सुनाई दे रहा, तुम इधर खड़े रहो या तो कूक मारना मुझे, हाँ यही नाले में खड़े हो ना, कॉल हो रही ना, आप बताओ गाइड साहब सही जगह है ना। एक गाड़ी आ गई ना गर्जिया जोन की आ गई, बिजरानी का ही पार्ट था, इसके दो पार्ट हो गए, बड़ा था ना बहुत, अभी भी बिजरानी बहुत बड़ा है, एक सफारी में नहीं कर सकते आप, अच्छा इतने ट्रैक हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा, और किसी ज़माने में बिजरानी में शर्मीली का दबदबा था, एक टाइग्रेस थी शर्मीली, अच्छा शुरू में शर्माती थी, बाद में इतनी यूज टू हो गई कि शायद ही कोई फोटोग्राफर होगा उसके दौर में जो आया हो उसे फ़ोटो ना मिली हो, बोलते थे कि ये फ़ोटो खिंचवाने आती है, मतलब 30 गाड़ी आ जाए तो फुल वॉक करेगी फिर। देन क्या हुआ, लॉकडाउन में जब पार्क बंद हुआ, उसके बाद जब पार्क खुला तो शर्मिली दिखनी बंद हो गई, अच्छा तो फिर इनका शायद डिपार्टमेंट की तरफ से पता चला है, अभी कंफर्म नहीं है जो भी, कि पॉर्क्यूपाइन के हमले से मारी गई, अच्छा उसके बाद वो दिखी नहीं है अभी तक, एज हो गया था, हाँ एज हो गया था दादी उसका, हाँ एज भी हो गया था, दादी ने तो खूब देखी होगी, दबा के देखी शर्मिली, तो जैसे रणथंभौर की मछली फेमस थी ना वैसे जिम कॉर्बेट की शर्मिली फेमस थी, उसकी ऐसी टाइग्रेस अभी तो किसी जोन में हुई नहीं है इतनी यूज्ड टू, बिजरानी में ही दिखता था, बिजरानी में ही शुरू, तो लोग कहते थे दिखती खूब है तो शर्मीली क्यों रखा उसका नाम, मतलब शुरू में शर्माती थी बहुत, मतलब वो नहीं होती थी बताते हैं पुराने लोग ना, अच्छा
बाद में यूज टू भी तो खुल के दिया उसने अपना पूरा शो। उसने मतलब अपना जो दिनचर्या बना दी थी रोड पे ही बना दी थी, रोड के आसपास। बस जैसे सुबह हमने देखा शाम वाले सफारी में पंजे देखे उनने, हाँ जी वहाँ मिलेगी, वहीं मिलती थी। अच्छा, ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ता, वो जंगल नहीं जाते थे रोड। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि एक इस जगह में मिलेगा उस जगह, ना 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 घूमती रहती है। और बाघ वैसे भी टेरिटोरियल एनिमल है ना, एक एरिया में दूसरा बाघ तो जाएगा नहीं ना दूसरे के एरिया में, तो उसका जो एरिया वो उसी का एरिया है। लोग एक पैटर्न होता है ना, लाइक इस टाइम से यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता। टाइगर नॉक्टर्नल एनिमल है, भैया ने बताया ना, ये रात को मूवमेंट करता है। रात को तो अपन आ नहीं सकते ना, तो सुबह की सफारी में से सुबह सुबह और शाम की सफारी में लेट इवनिंग, ये इसकी अपनी है। क्या है, जैसे रात भर उसने मूवमेंट किया, अभी भैया ने बताया ना, ये अपनी कोई ऐसी जगह ढूंढेगी दिन में जहाँ वो दिन भर आराम करेगी, तो उस जगह को जब वो मूव करेगी तब हमें दिख सकती है। अच्छा। और ये है अभी गर्मियों का टाइम, हम सोचते हैं शाम की सफारी में बाघ नहीं दिखता होगा, हम अपनी सुविधा देखते हैं कि ठंडा सुबह होता है, पर शाम में क्या होता है, जितनी गर्मी पड़ेगी बाघ उतना अच्छा दिखेगा। मतलब मेरा जो तजुर्बा कहता है कि मैंने पूरी पूरी सफारी में बाघ जो बैठा देखा पानी में वो गर्मी में ही देखा, पूरा पूरा बैठा रहेगा, और बाकी टाइम आपको क्रॉसिंग चलता हुआ वही सेकंडो वाला गेम मिलेगा। बड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता ना, गाइड भैया ने पहले ही पंजे देख लिए थे कि इसका मतलब बाघ यहाँ से मूव कर चुका है। अभी क्या लास्ट कॉल हुई बहुत ऊपर, तो इसका मतलब वो चल रहा है ऊपर को। ये सब मेरे हिसाब से तो ये जो गणित है ना, टाइगर की ट्रेल पकड़ना, अलार्म कॉल पकड़ना, अर्ली मॉर्निंग आना, लेट इवनिंग, मुर्गे की कॉल पक 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 है, पिकॉक की ढैर है, मेरे हिसाब से सब तुक्के होते हैं, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में टाइगर की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता। पर जो आपको ले जा रहे हैं उनके दिमाग में तुक्के हमेशा रहने चाहिए, कहीं पे भी एक तुक्का परफेक्ट बैठ सकता है। अब मैं कह रहा हूँ कॉल हो रही, अब जरूरी थोड़ी टाइगर इधर को आ रहा है कि अपना ऊपर को जा रहा है, पर हम लोग वेट करते हैं उसमें से 50-60% हमें दिख जाता है, ये गेम होता है। नॉर्मल है ना, डियर चुग रहे हैं, देखो अलर्ट वाला मोमेंट अलग होता है ना, अपनी दिनचर्या में जा रहे। टाइगर की सब खेती बाड़ी है, करके खाते रहेगा, हम लोग खाते ना थोड़ा थोड़ा करके, ये टाइगर भी खाता है। सेटिंग तो उसी को लेके आए, क्या पता फिर हमें वहाँ उसके पंजे नहीं मिले, फिर हाँ फिर भैया ने कहा इस तरफ भी दिखा था, इस तरफ को आए तो अलार्म कॉल ऑब्जर्व हुई, अभी होता ना अलार्म कॉल का निकला नहीं, क्या पता निकल जाता, कई दफ़े तो अलार्म कॉल भी नहीं मिल पाती ना, हर दिन एक जैसा नहीं है, और उसका कोई टाइम नहीं है, उसका तो घर है ना, जब मन करेगा तब आएगा, जब तक सोना है तब तक सोएगा। यहीं से गए थे हम, इधर से आए थे, टी पॉइंट है ना यहाँ पे, कॉल हो रही लगा दू, बंदर भी बोला ना उधर, बंदर बोला ना इधर, अभी सुना तुमने, इसीलिए भैया कहते हैं गाड़ी रोको, सुनेंगे पहले फिर बढ़ेंगे। हाँ बंदर की ऐसी तो लगी यार दादी एक बार ना, आपको भी लगी? हाँ, बंदर पर पीछे नीचे बैठे हैं, देखो उधर भी नीचे है पहाड़ पे ना। आपकी टी शर्ट में टाइगर बना होगा उसे देख के चिल्लाएगा, गाड़ी के येलो पाइप है इसे देख के चिल्ला गया एक दिन, उसे लगा छप्प जैसा आ गया ना, रिश्ते वालों को देखा पहले, फिर रिश्ते वालों ने डेविजेट वालों को बताया, फिर उन्हें देखा, ऐसी सिलसिला चलते रहा है वो। हाल है? क्या है माहौल? काम पड़ा। कहाँ से आ रहे हो? मलानी से आ रहे हो? इधर क्या रहा ये कॉल थी यार उधर। कहाँ पे?
पिंगोड़ा की तरफ स्पॉटेड की बहुत देर तक, और लग रहा बंजे थे ऊपर को चली गई थी दूर तक, हम आ गए थे। मलानीस्ट थोड़ा दूर है, विजय बिजरानी कैंपस है ना, वहाँ से 10 किलोमीटर आगे गेस्ट हाउस और है मलानी, उसमें 2 रूम है, अच्छा है एकदम। वहाँ पे अगर टाइगर मिल गया ना आपको मलानी पे, तो 1 घंटे तक बाग आपका है फिर, दूसरी गाड़ी नहीं पहुँचती ना वहाँ इतनी आसानी से, टाइम लगता है। मैं एक बार आया कुछ टाइम पहले बिजरानी नाइट स्टे ना, तो नाइट में हमें नहीं हुआ, पर जो लास्ट नाइट थी उसमें हमें मलानी में ही मिल गया, हम फिर इधर आए नहीं, वो सामने से चलता हुआ आ रहा फुल एक्टिविटी का शाल जस्ट हूँ मलानी नाव बार कर पे सामने में होने रोज पंजे मिलने हैं मुझको सांबर जी मेरे तक, मुझे गाइड था सांबर सांबर को नहीं। अच्छा लास्ट डे मैल का तू यहीं रुक जा, तुमको को छोड़ा नू आ लेता हूँ सीधे यार वो नहीं जो मलानी मुर्गा बोल रहा। ईगल भी आया था, ईगल को देख के भी बोल सकता ईगल है, उड़ के आया था ना सही कह रहे, हाँ ईगल ही देख ली मैंने, ईगल उड़ती उड़ गई, कंफर्म ईगल है, जल्दी हो तो उनको वाल मिल गो निकली तरह उनका जरा, हमने तो देखा भीड़ लगी क्या हो रहा है, तो देखा सांड ने मेन रोड में, ये भी बता रहे हैं जिस रोड में कल आप कैंटर गए होगे ना, तो उसी रोड का 5-6 दिन पुराना वीडियो है, चॉकलेट रूम करके रेस्टोरेंट है, उसके ठीक सामने ही, हाँ चॉकलेट वाला देखा होगा, ठीक सामने ही उसके सुबह 9 बजे के टाइम पे बाघ ने सांड को पकड़ लिया, बैल को ओपन, पूरी गाड़ियाँ देख रही है, पूरे लोग देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं इधर से, मेन रोड पे इधर जंगल है ना पूरा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, और वो बाघ वो था बैल, वो तगड़ा था, बैल ने 2-1 मतलब मारे भी उसे लाद, और थोड़ा बाघ इसलिए भी हल्का पड़ गया क्योंकि बाघ सिर्फ जंगल की तरफ से ही उसे खींच रहा था, ऐसे इधर को नहीं आ रहा था ओपन में ना, ओपन में लोग भी थे। अभी कुछ दिनों पुराना वीडियो होगा भैया पे शायद, ऑल उत्तराखंड 350 से ऊपर काउंटिंग एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स, मोहान सुंदरखाल इन दोनों गाँव के वीडियोस आप बहुत देखते होंगे यूट्यूब में, सबसे ज़्यादा नरभक्षी होता है वहाँ पे, तो वहीं पे का मैटर है, गड़जिया मंदिर तो आपने देखा होगा ना कल, उसका गेट देखा ना गड़जिया, उस गेट के सामने से ही हुआ मामला, और उसी शाम को बाघ वापस भी आया फिर वहाँ, वो भी कैप्चर हो गया उसमें, वही पैटर्न से वापस उतरा, फुल लक और ले जाने वालों की थोड़ी मेहनत, यही आपको एक प्रेडिटर तक पहुँचाती है, बाकी गवर्नमेंट से कुछ ऐसा हेल्प नहीं मिलेगा, हम तो अभी भी देख के सन्ने रह जाते हैं, मतलब लोग उसको देखने के बाद चुप होने के बजाय और ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, है ना, बाघ भी कहता होगा यार हमें जानवर खाली कहते हैं, तो खुद जानवर है, सेलिब्रिटी भी तो है और उसको देखने में एक्साइटमेंट तो होता ही होगा, पर क्या लोग देखते हैं उसका खाली एक रूप, जब वो नॉर्मल चल रहा होता आपको लगता है वाह क्या कैट वॉक है यार, हम तो हाथ फेर देते, जब आता ना अपने रौद्र रूप में इतना बड़ा मुंह फाड़ते हुए, इतना बड़े कैनाइन निकालते हुए, तो ऐसा ना कलेजा हलक में आ जाता, क्यों अभी उसको वीडियो मिला था सीओ जो फॉरेनर लेडी को, हाँ मेटिंग प्लस चार्जिंग हिल गई हो, हाँ ये ही बिजरानी जोन का ही है, उस दिन हम भी थे यहाँ पे, पर हमें नहीं मिल पाया, वो नाइट स्टाइल गाड़ी को मिला, मेट कर रहा था, लूमा थी ना लूमा, शायद लूमा बता रहे थे, इसकी बेटी शायद ना इसी की शर्मिली की है दादी बेटी, हाँ उसकी बेटी लूमा नाम है उसका, वो एक तगड़े मेल टाइगर के संग मेट कर रही है, और उसका एक बच्चा भी था शायद उसके साथ, वही तो चार्ज करते हुए आ रहा था, फॉरेनर लेडी ने फोटो ली उसकी ली, हाँ बाद में डर रही थी जब वो वीडियो देख रही थी, क्या हिसाब हुआ ने क्या कर दिया, बताओ आप क्या कहते हैं, वीडियो देख रही थी तब उसे डर लग रहा था, तो फुल एडल्ट मेल होगा ना वो, इतनी जल्दी हाथ नहीं आता, हाँ बहुत शाय रहता है वो, रैंडम मिल सकता है आपको, और अधिकतर जो मेल मिलेगा तो मेल बच्चा मिल सकता है, फुल ग्रो मेल मिलना मतलब थोड़ा रेयर होता, शाही होता है ना एकदम, और चार्ज इतना बुरा होता है ना बाघ का, हो सकता है आपको अगले दिन बुखार आ जाए, बहुत फाड़ चार्ज करता है बाघ, लेकिन जो चार्जिंग होती है ना कुछ हमारी मिस्टेक होती है, सही कहा भैया बिल्कुल, बिना मिस्टेक से नहीं होता, वो हमें उस टाइम पता नहीं चलता कि हमारी क्या मिस्टेक है, बाद में जब हम एनालिसिस करते हैं
कि कहाँ हमने गलती की। होता क्या ना बाघ दिखता है तो होता क्या गाड़ियाँ खड़ी हैं, किसी को नहीं दिख रहा, किसी को कुछ हो रहा है, किसी का एंगल नहीं बनना है, तो गाड़ी आगे कर पीछे कर बोलने उसमें एकदम निकल गई। ऐसा होता है, अपन साइलेंट खड़े तो उसे भी कोई मतलब नहीं रहेगा। बीच में हम पर चार्ज बहुत जबरदस्त हमारे घर, बहुत देर से वो टाइगर बैठा था वाटरऑल पर, तो लोगों ने घेरा था उसे, तो वहाँ से टाइगर उठा झाड़ी में बैठ गया, फिर भी लोग नहीं हटे, मैं नहीं हटा। उसके बाद बाघ ने फिर कॉम्प्रोमाइज करा, फिर वो इधर को आ गया दूसरी रोड पे, तो हमने क्या करा, हमने उसको फिर दूसरी रोड पे उसको फॉलो कर लिया। जी उसे गुस्सा आ गया, उन्होंने दौड़ा दिया। बाघ जो है बहुत टॉलरेट करता है हम लोगों को, हम लोग समझ नहीं पाते। अब यह है ना हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि दिखाना भी है, गेस्ट सबके हैं, सभी लोग आ रखे हैं, और उसे बचना भी है, दोनों समस्या हो जाती है। कितनी बार लोग हमें बताते हैं हाथी चार्ज कर रहा है, लेकिन उसे दिखाने भी तो है भी। तब जाते हैं, दिखाना भी तो है, दिखाना भी है, और वो कह भी रहा चार्ज भी कर रहा है। फिर गाड़ी मोड़नी पड़ती है, वो करना पड़ता है, अलग अलग दिमाग लगाना पड़ता है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। ना लोग भी बाघ को लेके, हम अभी अपने को अपना ही बता दे, जब हम डिकाला गए तीसरी सफारी में कांडा नाले पे, बच्चे दिख रहे हैं, सारी गाड़ियां खड़ी हैं, फोटोग्राफर है उसमें। अच्छा। तो भाई कि मतलब कोई जंगल को उससे समझ ही नहीं रहा जी, समझ रहे हो, उसके वहाँ पे चार कब्स हैं, वो आने ही वाले हैं, लोग अपनी बातें कर रहे हैं, कहाँ कहाँ की बातें चल रही हैं। मतलब कोई यही नहीं पता कि यार जंगल को रियल में घूमने और रौंदने मत आओ, है ना। इस पार्ट को हम पूरा नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये रिवर बेड चेक करने आए हैं, खुला एरिया है ना, कई तो दफ़े लंबा टाइगर दिखता है। इधर से आए थे, अब इधर को चलेंगे, ठीक है। रिपीट करते रह रहे हैं, अपना फोन वॉलेट खास तौर पे सब संभाल के रखिएगा, ठीक है। बागा भाई कैसे हैं? क्या रहा सीन? सीन कुछ नहीं यार, रिंगोड़ा को उधर कॉल थी स्पॉटेड की, और सब इसका सामान नहीं यार। तुम बाइक जा रहे हैं? हम बाइक जा रहे हैं, हाथी चले हैं इधर को यार, नीचे को पता नहीं कहाँ होगा। यार वहाँ तक चलेगा लास्ट पानी तक, संघर्ष जारी है। आप बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। हम बिजराने कमी आते हैं, हम जरा झिरना ज़्यादा पसंद करते हैं। काल पिक्चर देखी आपने? काल बागा उनके ड्राइवर का नाम था ना, उनके ड्राइवर का नाम भी उसमें बागा, इसी लड़के के नाम पे रखा है वो, फेमस इतना नहीं, इसका नाम भी बागा है, ये था उस समय आया ना, तो ना तेरा नाम क्या ना बागा, बोला आज से मूवी में भी नाम बागा है ड्राइवर का, बग्गा बग्गा इसी का नाम भी वही है। तो आप लोग काजीरंगा में देख पाए टाइगर? काजीरंगा में टाइगर नहीं देखा, राइनो देखा। राइनो मिला होगा, बहुत सारा राइनो के लिए है फेमस, टाइगर भी है वहाँ। हाँ टाइगर है, आसान नहीं है वहाँ देखने टाइगर, नहीं कॉर्बेट में टाइगर तो बहुत हैं, लेकिन दिखता भी है लोगों को, डायनेमिक है यहाँ का, जैसे ना मैजिकल कॉर्बेट, या तो दिख ही जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा, किसी किसी को तो दो दो दिख जाते, कल एक गेस्ट कल शाम आया तो दो टाइगर देख के गया, और शानदार एकदम इधर ही बिजरा नहीं। हाँ हाँ कल शाम हमने एक ब्लॉग डाला, एक ही सफारी में 6 बार टाइगर दिखा, 6 बार झिलने में, तीन बार पहले ऊपर को गया, फिर हम कैंपस वैम्पस घूम के आए, हमने दिमाग लड़ाया कि ऊपर वाली रोड में नाले पे निकल सकता है, सभी गाड़ियां वहाँ खड़ी हो गई, कॉल भी फिर हो गया टाइम जाने का। अच्छा सारी गाड़ियां निकल गई नीचे ठंडी के रास्ते, मैं फिर आ गया जड़ पहाड़ को, वो जहाँ से अंदर घुसी थी वहीं से बाहर आ गई, फिर गाड़ी के आगे आ गए, और जैसे अंदर घुसी वो गाड़ियाँ तिराया पार कर गई सारी, और फिर वहाँ आ गई गाड़ी, फिर तीन बार टाइगर, तो लक भी बहुत बड़ा है यहाँ पे, डेंसिटी काफ़ी हमारे कॉर्बेट में बढ़िया। हाँ फोटोग्राफर क्यों दीवाने रहते हैं, इंडिया में कहीं भी आप घूम लोगे जो हमारे बाघ का कलर आता है वो और जगह कहीं नहीं आता, यहाँ डार्क ऑरेंज ही आता है। अच्छा डेंसिटी होने की वजह से, बाकी जगह पे हल्का आपको वाइटनेस मिलेगी बाघ में। कल भी है तुम्हारा? कल से टाइम चेंज हो जाएगा, कल से सुबह 5:30 का हो गया, कल से देखेंगे अब बाघ, टाइम का बहुत तगड़ा खेल था ना, अभी टाइम है 6:15 का,
कल से सीधे 5:30 हो रहा है एंट्री। सोचो 1 घंटा बहुत होता है ना। अभी इसी चक्कर में थोड़ी साइटिंग में भी वो हो गया था झिरना में भी, क्योंकि जब जब हम जाएं वो फॉरेस्ट वाले यही कहें बस तुम आ ही रहे हो सामने से जा ही रहा है। टाइमिंग का खेल था, 6:15 अब धूप कितनी जल्दी हो गई है ना, सुबह सुबह का गेम है और शाम में क्या हो रहा है 6:00 का गेट है, जब मूवमेंट होने का टाइम आ रहा है कॉल शुरू हो रही है बाघ अब आएगा तब हमें बाहर निकलना हो जा रहा है। अच्छा शाम का हो गया 3 से 7, कल से सीधे 1 घंटे का फर्क, तो उसी 1 घंटे में गेम होता है। कल भी आपकी, कल हम लोग का ढेला और दुर्गा देवी है। अच्छा दुर्गा देवी ढेला, दुर्गा देवी बढ़िया। क्या है सांभर ढेला में देख सकता है? हाँ ढेला में देख सकता, कल ढेला जाओगे सुबह पहली गाड़ी रखना। गाड़ी किसकी अलोकेट हुई है? रिजवान को भी। अच्छा खुद अलोकेट हुई की? ऑटोमेटिक वहाँ पे भी ढूंढा था, आपका नंबर मिला नहीं। मेरा तो बुक है ना, मेरे पहले से दो ही दिन मेरे पहले से बुकिंग थी ना मेरे पे, शायद हमारी बात भी हुई थी इस बारे में कि दो ही सॉरी है जो भी आपको पहले ढूंढा। हाँ नहीं मिला होगा, आप उससे बोलना जो भी है रिजवान भाई ना, उससे कहना थोड़ा पहले आ जाना भाई यार। अच्छा मतलब कोशिश कर देना पहली गाड़ी लगाने की, कल पहला दिन है ना 5:30 का, तो कल गेम पक्का बनेगा, शायद मैं भी वहीं मिलूंगा आपको, झिरना ही होगा मेरा भी। पहली गाड़ी तो हमारी रहेगी, फिर बाकी देखना आप अपनी गाड़ी। पहली गाड़ी का फ़ायदा क्या होता है ना, कॉमन वाइल्ड लाइफ भी आपको रोड पे मिलती है। हाँ। और ऐसा नहीं कि आप पहले जा रहे हो, कई दफ़े मैंने ये भी देखा है कि मैं आगे चले जाता हूँ पीछे वाली गाड़ियों को टाइगर दिखता होता नहीं होता है, जब मोहनदास जैसे उन्हें बाद में आया उन्हें टाइगर दिख गया। पर क्या 100 में से 70 आपको जल्दी जाने में ही मिलेगा। और कई दफे हो जाएगा वो चीज़ अलग है, मतलब जम के जोन लिए हैं आपने, आपको फाटो मिल जाता ना एक शाम का। आजकल फाटो में गेम सही हो रहा है। फाटो में पैक चल रहा है? पैक तो नहीं चल रहा होगा खैर, क्योंकि फाटो में क्या है ना झिरना के नीचे है फाटो। अच्छा। फाटो तक तो बिल्कुल भी स्प्रिंग वाटर नहीं जा रहा है, तो बाघ के लिए मजबूरी हो जा रही है मैन मेड वाटर बॉडी में आना, पानी का दूसरा कोई स्रोत ही नहीं है ना। हाँ। और वो वाटर बॉडी है हमारे ट्रैक के बगल में, 2 वाटर बॉडी है पिंक और मालकुंड। मालकुंड वाटर बॉडी में मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा कि एक तरफ गुज्जर की भैंस पानी पी रही है, एक तरफ टाइगर पानी पी रहा है, बीच में सांभर है, जल संधि हो रही है उनमें, मतलब समझ रहे हो, पानी के लिए आपस में कॉम्प्रोमाइज कर रखा उन्होंने। वो बहुत बड़ा वाटरफॉल है ना, अब बाघ अगर एक कोने में बैठ जा रहा है इधर 30 गाड़ियां भी खड़ी हो जा रही है, उसे डिस्टर्ब नहीं हो रहा। फाटो में सिर्फ टाइगर दिखता है लास्ट के 3 महीने, अप्रैल मई जून, क्योंकि वहाँ भीषण गर्मी है, पानी है नहीं, अब बाघ को आना पानी पे तो है ही है। अजय झिरना आप घूम रहे हो, बिजरानी घूम रहे हो, यहाँ पे इतनी वाटर बॉडी थोड़ी जो हमारे सफारी ट्रैक में है, कोने कोने में भी तो पानी है जहाँ बाघ तसल्ली से पी सकता है। तो यही चीज़ है झिरना में भी, जितनी वाटर बॉडी हमारे ट्रैक के अगल बगल है उनके अलावा भी और वाटर बॉडियाँ हैं जिसमें वो इजीली पानी पी सकता है। नहीं 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 देखो मैन मेड तो ये है जो हमें दिख रहे हैं, बाकी स्प्रिंग वाटर बॉडी भी देखी ना आपने जो खुद निकल रहा है। वहाँ की बात कर रहा हूँ, फाटो की फाटो में नहीं है स्प्रिंग, वो पूरा सूख जाता है, मैनमेड ही है वहाँ सारे, बड़े वाटर हॉल हैं बड़े। तो वहाँ के बाघ का आपको 2 ही तरीके की फोटो मिलेंगी, या तो पिंक वाटर हॉल वाला या मालकुंड वाला, दूसरा कोई फोटो नहीं। बीच में किसने बच्चे भी डाले थे यार? एक बच्चा वाला रोड पे चलती हुई ना, एक बच्चे वाली, छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा, बच्चा था हमें बिजरानी में ही मिला था। अच्छा। चंदा के साथ मिला मुझे एक बार, तो बच्चा मार दिया ना, मार दिया बच्चा। अरे हाय उसके तो सभी दुश्मन है, बाघ के बच्चे के तो सभी दुश्मन थे, उसे पता है बड़ा होगा हमारा काल बनेगा, उसे तो जैकॉल भी मारेगा, उसे तो लेपर्ड भी मारेगा, उसे तो अदर टाइगर भी मारेगा, और हो सकता है सेम फादर ना मार दे कि कल के दिन बाप की टेरिटरी पे कब्जा कर लेगा। और अरे मंकी कॉलिंग, कॉल नहीं थी खाली वैसे ही बोला था बंदर। क्या है ओनली धोल? अच्छा बना गए चांस, तो साहब हुआ क्या उनकी किस्मत इतनी खराब, जिस दिन झिरना की 2 सफारी उस दिन पड़ गई बारिश। अब साहब अगले दिन ढेला,
अंकल नया नया कैमरा चलाना भी सीखे, ठेला में टाइगर दिख गया, कैमरा सेट करने तक टाइगर चल दिया। अरे यार, आंटी को वैसे नहीं दिखा। अब आगे लास्ट सफारी पूरा कॉर्बेट घूम गया, बाघ नहीं मिला, उन्हें लगा। तो फिर वो ये ना कि एक ही जोन की बैक टू बैक लो, कि उम्मीद तो है, हर जोन में जम के साइटिंग नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी जो चल रहा है प्रॉपर, भैया को बताया ढेला चल रहा है, बिछड़ना भी हल्का पड़ रहा था कुछ दिनों से। ऐसा है ना, जरूरी नहीं कि आप हमारे संग घूम रहे हो, हमारी गाड़ी पहले हमी को दिखेगा। कई लोग तो समझ रहे हैं युवराज से बुक कर रखी तो ये पक्का ही दिखा लाएगा। कहाँ से दिखा के लाएगा युवराज, कह रहा रास्ता ही दिखाते हो, रास्ते में बाघ भी दिखाया करो। अब क्या बाघ क्या खींच के ले आऊँ? बड़े हाथी को कोई नहीं करता, छोटे हाथी को मार देता है टाइगर। छोटा मतलब जो एक साल से लेकर पाँच साल तक का है, उसे मार देता है। पहले जिम का एलिफेंट सफारी भी होता था। हाँ, अभी 2016 में तो बंद हुई। ले सकते हो तो तुरंत एक इसका ले लो फटाफट, अगर आ रहा है तो सनलाइट पर। यहाँ से शुरू की थी जर्नी हमने, ऐसे शुरू करके पूरा वो पार्ट बड़ी फायर लाइन, और भैया के हिसाब से हमने आज 75% एरिया कवर किया। विजिट की सारी गाड़ियाँ चली गई, स्टे वाली गाड़ियाँ अब नाइट स्टे बन गए। एग्जिट आपका। तो यार बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही है आज की, बिजरानी जोन था। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।